नमस्कार, मैं हूं सुमन राज और अब बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। उन्होंने अक्टूबर में आने की सहमति दे दी है। राज्य में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विधानसभा के कक्ष में मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शिरकत किया था। सभी नेताओं ने समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद के अनुसार जदयू को जीत नहीं मिली। तब से अब तक पार्टी के अंदर समीक्षा चल रही है। वहीं जदयू में शनिवार और रविवार को पटना के ऑफिस में दो दिन की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में मंथन होगा। बैठक में विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले के पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी समीक्षा बैठक किया करते थे। इन्हीं बैठकों के बाद उन्होंने संगठन में कई फेरबदल करते हुए पुराने लोगों की छुट्टी कर दी थी। वहीं नए लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां भी दी गई थी। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में एक रेलवे पुलिसकर्मी और मजदूर की मौत हो गई। वहीं टेरर अटैक में जिस मजदूर की मौत हुई, बिहार के कटिहार का रहने वाला शंकर चौधरी बताया जा रहा है वो। इधर शंकर के घर पर मातमी चित्कार पसरा है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मानो तो मजदूर की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस ने फोन कर उन्हें यह सूचना दी है। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु पर शनिवार सुबह सुबह एक हादसा हो गया। यहां ओवरटेक करने की कोशिश में यात्रियों से भरा एक ऑटो सामने से आ रहे एम्बुलेंस से जा टकराया, जिसमें ऑटो में बैठे आधे दर्जन से अधिक यात्री चोटित हो गए, जिनमें से एक यात्री की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं दोनों गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है। बताया गया कि इस दौरान एम्बुलेंस में कोई मरीज मौजूद नहीं था। हालांकि एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी चोटें आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।